हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रा ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं 11 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सेशन की बात करें तो सेशन में कैसे कैसे हमें आगे चलना है उसका मैं आपको पहले बता देता हूं। जो लास्ट न्यूज रहेंगी उन पर बेस इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। देन फिर हम चलेंगे आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ एक स्ट्रेट। देन फिर उस न्यूज जो आज हमने डिस्कस की उन पर बेस जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप सभी लोगों को पता तो चल चुका है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब क्या है रीजन, उन्होंने पर्सनल रीजन मेंशन करे हैं, बट गवर्नमेंट के साथ जो उनका कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था बेसिकली, चाहे सेक्शन 7 को लेके कहें, चाहे गवर्नमेंट की अभी डिमांड रही थी कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए इंपोज किया गया बैंक पे कि बैंक आगे लेंडिंग नहीं कर सकता, वो अपने को एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट का कहना था कि आरबीआई से कि भाई ये काम करिए, इसमें से जितने बैंक है जिन पर पीसीए लगा उनमें से कुछ बैंक को हटा दीजिए। फिर एक और बात आई थी कि जो बेसिल नॉर्म्स हैं, बेसिल नॉर्म्स को जो फॉलो अप करें उसको भी ईज करिए, उसमें भी आसानी करिए। तो इन वजह से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन थे और इस वजह से पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आरबीआई गवर्नर रिजाइन करेंगे, और फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया। इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया, बट देखते हैं, हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते, अपने अपने व्यूज रख सकते हैं, बट आगे क्या होता है उसे हम देखेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, कौन होंगे ये बात है। इसके अलावा एक रूमर और फैला था कि विरल आचार्य जो कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, बट गाइड विरल आचार्य ने कोई रिजाइन नहीं किया आरबीआई की तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा आरबीआई के विरल आचार्य ने रिजाइन नहीं किया है। तो यह पैरेलल चल रही थी कि आरबीआई के गवर्नर और विरल आचार्य दोनों ने ही, जो कि डेप्यूटी गवर्नर है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सबसे पहले वही आए थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आरबीआई के गवर्नर का ही रिजाइन आया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अजय रोहिरा, जूम रखिए स्क्रीन को, अजय रोहिरा ने सबसे ज्यादा फास्ट क्लास डेब्यू स्कोर के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और वो किस टीम से हैं? अजय रोहिरा की बात करते हैं, उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है हाईएस्ट फर्स्ट क्लास डेब्यू स्कोर का, और वो किस टीम से है, या यूं कहें वो किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गाइज एक सवाल मेरा और आपसे ये है, इन्होंने एग्जैक्टली स्कोर कितना बनाया है, एग्जैक्टली इन्होंने स्कोर कितना बनाया, गाइस जरा बताइए मेरे को। आंसर की बात करें, आंसर तो यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात होगी, मध्य प्रदेश की टीम से ये खेल रहे थे, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम स्कोर कितना है रखा है इनका, तो भाई जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट गाइस, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, उसका वेन्यू क्या रहेगा। कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, तो ये जो अनाउंसमेंट रहा था, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा था कि जो खेलो इंडिया गेम्स है वो महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किए जाएंगे। याद रखिएगा कहां पर, महाराष्ट्र के पुणे में किए जाएंगे आयोजित। और इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात करें, जयपुर रूरल राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से ये लोकसभा चुनाव जीते थे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, किस दिन को हम इंडियन नेवी डे, किस दिन को इंडियन नेवी सबमरीन डे के रूप में सेलिब्रेट करती है, जरा लिखिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। भारतीय नौसेना किस दिन को पनडुब्बी दिवस के रूप में मनाती है। आंसर की बात करेंगे, क्या 8 दिसंबर है, 2 दिसंबर है, ओके। अजय रोहिरा की बात करें तो आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा कि 267 रन की पारी खेली थी, जो इनका हाईएस्ट डेब्यू स्कोर बना, इनका क्या एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना हाईएस्ट किसी ने नहीं किया। आंसर बनता ऑप्शन नंबर 1, 8 दिसंबर को सबमरीन डे मनाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। आईएनएस कलवारी की बात करेंगे, वो इंडक्ट हुई थी, कह सकते उसका जलावतरण किया गया था 1967 की बात करें तो उसी की वजह से कह सकते उसी की याद में सबमरीन डे मनाया जाता 8 दिसंबर को। नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत का एक प्रपोजल था उसको अप्रूव कर लिया है कि आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इस साल में मनाना चाहिए। अब वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस, किस वर्ष में मनाने की बात की है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है, राष्ट्रीय बाजरा ज्वार दिवस मना रहा है। अब इसने अब प्रपोजल रखा था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, भाई सुन लीजिए मेरी बात को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसमें से किसी ईयर में मनाइए, तो वो ईयर कौन सा है, तो सर यहां पर 2023 टिक कर दीजिए, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, उन्होंने अभी एक रीजनल लेवल मराइन ऑयल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, कंडक्ट भी हो गई, जिसका नाम है क्लीन सी 2018।
ध्यान से सुनिएगा, क्लीन समुद्र 2018 एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्टार्ट की थी। अब ये कहां पर हुई थी? कोची, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई। तो अपना आंसर बनता है पोर्ट ब्लेयर, यह पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। नेक्स्ट, एक एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स और रशियन फेडरेशन एयरफोर्स, या सिंपल शब्दों में इंडिया और रशिया की एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जिसका नाम है एविया इंदिरा। एविया इंदिरा, इस एक्सरसाइज को कहां पर स्टार्ट किया गया? सर, इस एक्सरसाइज को आगरा एयरफोर्स स्टेशन पे किया गया। अरे सर उड़ जाओ, क्या मजाक कर रहे हो, आगरा एयरफोर्स स्टेशन पे तो सिन्यू चल रही है जो इंडिया और जापान की है। सर इंडिया और जापान की है वो चल रही है यहां पर सिन्यू, बट इसकी बात करो तो ये कहां पर स्टार्ट हुई? सर इसे टिक कर दीजिए आप, जोधपुर, ये राजस्थान के जोधपुर में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट, 10th एडिशन है इंदिरा नेवी, एक बायलिटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने एयरफोर्स एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, अब समझ रहे हैं यहां पर हम मैरिटाइम एक्सरसाइज के बारे में। इंडिया और रशिया की जो नेवी है उनके बीच में एक मैरिटाइम एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है यहां पर इंदिरा नेवी, इंदिरा नेवी, ठीक है। और ये इसका एडिशन कौन सा है? 10th एडिशन है। सवाल यहां पर यह कि ये कहां पर स्टार्ट हुई, तो इसे टिक करेंगे हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ, विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुई। रट लीजिएगा कहां पर स्टार्ट हुई है, विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, निम्न में से किस शहर में टिकाऊ जल प्रबंधन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ? तो अपना आंसर यहां पर लिखा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे हटा दूंगा एमसीक्यू में, ठीक है, बाकी पीडीएफ में यहां पर, बट आप आंसर टिक कर दीजिए। मोहाली, किस शहर में टिकाऊ जल प्रबंधन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ? तो अपना आंसर बनेगा मोहाली में। इन मोहाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हैज बीन स्टार्टेड। सिंपल शब्दों में याद रखना मोहाली वेन्यू रहा इसका। अगला सवाल, रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस फोकस ऑन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, निम्न में से किस शहर में सुशासन आकांक्षापूर्ण जिलों पर फोकस पर, यह पूरा एक टाइटल है, सुशासन आकांक्षापूर्ण जिलों पर फोकस पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ? कल इस न्यूज को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी सिर्फ हम यहां पर ओवरव्यू लेंगे, सिर्फ एमसीक्यू के तौर पर रिवाइज करेंगे। तो आंसर बनता ऑप्शन नंबर 2, ये तिरुवंतपुरम, केरला के तिरुवंतपुरम में हुई थी। आई होप क्लियर हुआ कहां पर, केरला के तिरुवंतपुरम में। नेक्स्ट, वैनेसा पोंस डे लियोन की बात करते हैं, वो मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत गई हैं 2018। सवाल यहां पर ये है कि वो किस कंट्री से हैं? वैनेसा पोंस डी लियोन ने प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है, और वो किस कंट्री से हैं या वो किस देश से हैं? सर आइसलैंड की कैपिटल है रेग्जविक, करेंसी इज क्रोना। आयरलैंड कैपिटल डबलिन, करेंसी की बात करें करेंसी यूरो, आयरलैंड डबलिन यूरो। अर्जेंटीना की बात करते हैं कैपिटल ब्यूनस आयर्स, करेंसी पीसो। मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी पीसो। आर्मेनिया कैपिटल येरेवन, करेंसी द्रम। अगर मैंने कोई भी गलत बताया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हाँ सर आपने ये वाला गलत बता दिया, बट आप मेरे को आंसर बता दीजिए कि ये मोहतरमा कहां से है, ये मोहतरमा कहां से है, ये किस कंट्री से है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, आइसलैंड, आयरलैंड या अर्जेंटीना या मैक्सिको, या भाई हम बात करते हैं यहां पर आर्मेनिया। अभी तक स्टिल आंसर नहीं आ रहा है यहां पर, क्या आइसलैंड से है, क्या ये आयरलैंड से है, क्या अर्जेंटीना से है, क्या मैक्सिको से है, या क्या ये आर्मेनिया से है? तो सर आप यहां पर टिक कर दीजिए, आंसर बनेगा अपना आयरलैंड। अरे नहीं सर, आंसर बनेगा यहां पर मैक्सिको। अरे नहीं सर, अर्जेंटीना बनेगा। बड़ा यहां पर दुविधा है भैया, कोई बताएगा मेरे को सही आंसर क्या है, या सभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चलता रहेगा? सर आप आंसर टिक कर दीजिए यहां पर मैक्सिको, ये मैक्सिको से, मैक्सिमम स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं वो यहां पर मैक्सिको दे रहे हैं। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री को स्कॉच अवार्ड दिया गया नेशनल सिग्निफिकेंस के लिए? जरा फटाफट सवाल का आंसर दीजिए, विच मिनिस्ट्री हैज बीन कन्फर्ड विद द स्कॉच अवार्ड फॉर नेशनल सिग्निफिकेंस? किस मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहां अपना आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पर इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहां पर हमें नाम याद रखना है, इनका नाम है भाई, ओके याद आ गया, आरके सिंह। आरके सिंह की बात करें, इनका नाम है आरा बिहार, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एंड अपार्ट फ्रॉम भाई के पास एक और मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। दोनों के ही इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय है इनके पास। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल सुनिएगा, इंडिया ने स्टार्ट किया है वीजा ऑन अराइवल देने के लिए किस देश के नागरिकों को? भारत ने किस देश के नागरिकों को आगमन पर वीजा देना शुरू किया है, वीजा ऑन अराइवल स्टार्ट किया है? इजरायली नेशनल्स, चीनी नेशनल्स, जापानी नेशनल, रशियन या साउथ कोरियन? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को, किस देश के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल देने की भारत ने शुरुआत की? सर आंसर टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर 5, साउथ कोरियन। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल,
और करेंसी की बात करें, वॉन चलती है, मून जे इनकी बात करेंगे, यहां के प्रेसिडेंट है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट गाइज, हु हैज बीन एडजस्ट द बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन बाय लोकमत न्यूज़पेपर फॉर 2018, किसको 2018 के लिए लोकमत अखबार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद घोषित किया गया है? एम के कनीमोझी, उमा भारती, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन या स्मृति ईरानी? तो सर यहां पर हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर वन को, डीएमके की एमपी हैं एम के कनीमोझी, इनको बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन चुना गया है राज्यसभा बाय द लोकमत न्यूज़पेपर फॉर 2018। आई होप सो गाइज, यहां तक हमने कल की न्यूज पर बेसिस जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनका डिस्कशन किया। अब चलेंगे आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। आज मेरे पास 15 न्यूज है, जिनमें से 5 न्यूज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी न्यूज को हम वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे। ओवरऑल पर्पज सिर्फ इतना, सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना, जिस न्यूज में डिटेल की रिक्वायरमेंट है उसे डिटेल में पढ़ेंगे, जिस न्यूज में ओवरव्यू की रिक्वायरमेंट है उसमें ओवरव्यू लेकर निकलेंगे। बट बढ़ते हैं फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। ओके, अभी एक और यहां पर सवाल है, बट ये वही प्रीवियस वाला ही है, बट हम बढ़ते हैं अपना पहली न्यूज। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट। भारत ने उड़ीसा तट से डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, सिंपल शब्दों में सवाल क्या बनते हैं एग्जाम में इस तरीके की न्यूज से। जब कभी भी किसी वेपन की बात करें या किसी भी मिसाइल की बात करें, जब उसका परीक्षण होता है, जब उसे टेस्ट फायर किया जाता है, तो वहां से 2 से 3 सवाल कैसे बनेंगे। सबसे पहले कहां से इसका परीक्षण किया गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट, पहला सवाल ये बनेगा। दूसरा सवाल यहां से बनेगा, इट इज वॉट, इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, क्या ये सरफेस सामने से सामने वार करता है या सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्या ये भैया जो एयर में जितने भी टारगेट है उनको भी स्ट्राइक कर सकता है, या एयर टू सरफेस मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल। तो हमें याद रखना पड़ेगा अग्नि 5 इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है, स्ट्राइक रेंज मतलब कितने मीटर तक, कितने मतलब कह सकते हैं कितने किलोमीटर तक ये वॉर, मैं कह सकते हैं कि भाई अपने टारगेट को भेद सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। तो मतलब कि 5,000 किलोमीटर है, 4,000 किलोमीटर है, तो ये क्या है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब इसमें कि दूसरे, ऐसा है कि एक कॉन्टिनेंट है अभी, ठीक है, दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ये मिसाइल टारगेट को अपने हिट कर सकता है। मतलब इसकी रेंज इतनी है, 5,000 अराउंड किलोमीटर इसकी रेंज है। आते हैं डिटेलिंग पार्ट इसका देख लेते, टेक्निकली हम जरा स्क्रीन को जूम करेगा। इसकी स्ट्राइक रेंज की बात करें तो 5000 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें अग्नि 1 की तो 700 किलोमीटर रेंज है, अग्नि 2 की बात करें तो 2000 किलोमीटर रेंज है, अग्नि 3 अग्नि 4 की 2500 टू मोर देन 3000 किलोमीटर रेंज है। तो सिंपल शब्दों में बात करें तो भारत में अग्नि 1 अग्नि 2 अग्नि 3 अग्नि 4 अग्नि 5, अब इस मिसाइल की बात हो रही है अग्नि 5 की, इसका ये सेवंथ ट्रायल रहा है। अग्नि 5 की बात करें, इसका ये सेवंथ ट्रायल रहा है। नई नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसे इंक्लूड करते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा परीक्षण किया जाता है। अब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी फिर उसके साथ परीक्षण किया जाएगा फिर दोबारा, तो ये तो चलता रहता है, ठीक है। अब हमारे काम की चीज है यहां से डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडेशन ईयर इज 1958, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड जी सतीश रेड्डी इज चेयरमैन। भाई रट लीजिएगा, वेयर इज हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली इज अ हेडक्वार्टर ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एग्जाम में सर सवाल क्या बनेगा पहले आप ये बता दीजिए। तो यहां से देखिए पहला सवाल क्या बनेगा, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा वो बनेगा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गाइज आंसर इज न्यू दिल्ली। व्हाट इज एक्जैक्टली फाउंडेशन ईयर, तो याद रखना 1958, ये एग्जाम का भी हाल ही का सवाल बना है कि डीआरडीओ का फाउंडेशन ईयर क्या है, तो वो याद रखना आपको 1958। एंड चेयरमैन की बात करो तो चेयरमैन यहाँ के जो है वो है जी सतीश रेड्डी। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा, क्लियर है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, यस सर यहां तक क्लियर होता चल रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है भाई कमेंट बॉक्स में लिख दिए यस सर क्लियर, क्योंकि मैं आपकी भावनाओं को ना, आपकी फीलिंग्स को आपके कमेंट्स के माध्यम से ही समझ सकता हूं। जो आप कमेंट्स करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं गाइज, उन्हीं के थ्रू मैं आपकी फीलिंग्स को समझ पाता हूं कि हाँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर क्लियर हो रहा है तो भाई एक स्माइली दीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है और समझ में आ रहा है, स्माइली पोस्ट भी करिएगा और अपने चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाइएगा। घर बैठ के देख रहे हैं ना, वहां पर भी चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है। सोते सोते ये नहीं कि ब्लैंकेट में बैठ के सर लैपी भी अंदर है और ब्लैंकेट ओढ़ रखा बट पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी डेडिकेशन तो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइज समझना जरा ध्यान से, न्यूज पुरानी है बट अपने से स्किप हुई थी इसलिए डिस्कस करेंगे। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये सभी को पता चल चुका था, न्यूज पढ़ ली होगी डेफिनेटली आप लोगों ने, बट अपने सेशन में जो नहीं हुआ उसे तो कराना है। केरल देश का पहला राज्य है जहां पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
अब मेरा सवाल जो एग्जाम में बनेगा एज एग्जामिनर अगर मैं सोचूं तो मैं ये पूछूंगा कि वो चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम क्या है, चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम के क्या बात है यार, क्या शानदार स्माइली आती है आप लोगों की, अलग 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 अलग, किसी की एक आंख बंद है, किसी की एक आंख खुली, किसी की दोनों बंद है, बट डांस सबके दिखते रहते, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डिटेलिंग पार्ट देखेंगे इसका, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु भी थे वहां पर, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन भी थे, दोनों ने साथ में मिलकर जो एक एयर इंडिया की एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी अबू धाबी के लिए, उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, फाइनली इसका इनॉग्रेशन किया जो एयरपोर्ट है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया, यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, इसका इनॉग्रेशन किया गया था अबू धाबी के लिए, फ्लाइट जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी उसे हरी झंडी दिखाकर के उन्होंने किया, तो सुरेश प्रभु और पिनाराई विजयन ने। अब इसके साथ स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट बन गया है जिसके पास चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड खोजीखोड़े। तिरुवनंतपुरम, कोची एंड खोजीखोड़े में भी याद रखना भाई, एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट है जो कि केरला में नहीं है, तो वहां पर पांच ऑप्शन दे देंगे, आपको ऑड वन हटाना पड़ेगा, तो ऑड वन के लिए आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि कहां कहां पर है, तिरुवनंतपुरम, कोची, खोजीखोड़े, और ये आपको याद रखना कन्नूर। आई होप सो ये न्यूज भी आपके बेहतर तरीके से क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इस न्यूज को मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा भी और इस न्यूज को मैं गूगली भी कह सकता हूं यार, एग्जाम में अगर आई तो डेफिनेटली स्किप हो जाएगी, इसलिए मैंने यहां पर इंक्लूड किया, रिलेटेड है दूसरी कंट्री से बट अपने काम की चीज है क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मेंशन था, ठीक है। यूएई हैज इंक्रीज्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन फेडरल नेशनल काउंसिल, जरा बात को सुनिएगा, यूएई की बात यहां पर हो रही है, यूएई ने कहा है, यूएई हैज इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन फेडरल नेशनल काउंसिल फ्रॉम 22.5% टू 50% इन द कमिंग पार्लियामेंट्री टर्म। यूएई ने संघीय राष्ट्रीय परिषद फेडरल नेशनल काउंसिल में आगामी संसदीय चुनाव से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 22.5% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो 50% होगा, इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं 40 होते हैं, 40 में से बात करें तो कहा गया कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो यहां पर 50% रखा जाएगा। एग्जैक्टली क्या है बातें उनको भी आते हैं, जरा डिस्कस कर लेते, कौन चेयरमैन है, टोटल क्या है। फेडरल नेशनल काउंसिल की बात करो तो एक कंसल्टेटिव काउंसिल है जो कि पार्लियामेंट बॉडी है यूएई की, उसकी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, संघीय राष्ट्रीय परिषद संयुक्त अरब अमीरात यूएई की एक संसदीय परामर्शदात्री समिति है, इसके टोटल 40 मेंबर्स हैं। डॉक्टर अमल अल कुबेसी इज अ चेयरपर्सन और स्पीकर ऑफ द फेडरल नेशनल काउंसिल, वो चेयरपर्सन भी है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई तो वो स्पीकर भी है, समझ में आ रहा है सर, वो क्या है, चेयरपर्सन भी है और वो यहां पर स्पीकर भी है। अल कुबेसी की बात करते हैं तो भाई शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड टू एफएनसी इन 2006। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये पहली महिला है जो कि फेडरल नेशनल काउंसिल में इलेक्ट हुई थी और ये कब इलेक्ट हुई थी, ये 2006 में इलेक्ट हुई थी। मेरा सिर्फ सवाल यहां पर ये बनेगा कितना परसेंट हो गया है, 50% यहां पर ये कर दिया गया है, पहले कितना था 20.5%। यूएई की कैपिटल क्या है सर, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, एंड करेंसी की बात करें यहां पर दिरहम चलती है सर, यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यहां पर दिरहम चलती है। नेक्स्ट, नाबार्ड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ग्रीन क्लाइमेट फंड टू इन्फ्यूज $100 मिलियन फॉर क्रिएशन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर कैपेसिटी अक्रॉस इंडिया। नाबार्ड ने हरित ऊर्जा कोष, इसको याद रखना, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द GCF, भारत ने, नाबार्ड ने हरित ऊर्जा कोष के साथ भारत में छतों पर सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण के लिए $100 मिलियन लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बेसिकली बात करें तो उसको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, एक स्कीम है उसमें कि 100 मिलियन अराउंड 250 मिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है, $250 मिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें नाबार्ड ने क्या करेगा 100 मिलियन यहां पर इन्फ्यूज करेगा, और बेसिकली पर्पस क्या रहेगा, जो इंडिया में सोलर रूफटॉप है उसको और इंक्रीज किया। आप देख रहे होंगे ग्रेजुअली जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है यार, क्लाइमेट चेंज आप देखिए कि अगर जैसे कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली बात करूँ शुद्ध हिंदी में बात करता हूं तो बेमौसम बरसात भी, और अगर हम बोले कि गर्मी के टाइम में भी गर्मी बहुत तोड़ टाइप की हो रही है जिसका कोई तोड़ नहीं है, सर्दियां भी बहुत बहुत तेजी से, मतलब एक तरीके से वेदर बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एक टाइम पे, तो इसका रीजन क्या, क्लाइमेट चेंज है, जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग इसका रीजन है, जो हम एसी वगैरह यूज करते हैं, कंप्रेसर वगैरह उसका मेन रीजन है। तो ओवरऑल कहा जा रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा,
ऐसा चलता रहा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें जो ये डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, और कह सकते हैं इनका यूज कम करना चाहिए। तो आप देखते होंगे गवर्नमेंट इस टाइम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी जा रही है, जीवी ईवी की तरफ भी जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी मूव कर रही है। तो उसमें यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि अब हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, उसमें एक सोर्स है यहाँ पर सोलर पैनल लगाना चाहिए। तो रूफटॉप सोलर पैनल की बात हो रही है यहाँ पर, उसको लगाने के लिए 100 मिलियन इन्फ्यूज किया जाएगा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। रट लीजिएगा, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा इंप्लीमेंट होना है, इन सभी बातों को देखेंगे टेक्निकल टीम। 250 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। एग्जैक्टली मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट कितने मिलियन का, वो याद रखिएगा भाई, 250 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड के द्वारा। और ये किससे सपोर्ट रिसीव करेंगे? नाबार्ड से और जीसीएफ के थ्रू। इतनी काम की चीज नहीं है कि ये यूएनएफएससी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है। इतना नहीं, सिर्फ अपने काम की चीज है। कितने का प्रोजेक्ट है? 250 का। इसमें नाबार्ड का कितना इन्फ्यूज होगा भैया? नाबार्ड के थ्रू इन्फ्यूज होगा 100 मिलियन। नाबार्ड की बात करें, 12 जुलाई 1982 को इसका फाउंडेशन ईयर है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र एंड चेयरमैन इज हर्ष कुमार भनवाला। भाई समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर क्लियर हो रहा है, यस सर क्लियर हो रहा है। एक सवाल मैं फेंकने वाला हूं आपकी तरफ गूगली, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, जरा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन, राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझिए ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड, बहुत सिंपल सवाल है, चेरकोट है, मतलब हर कोई बता देगा इस सवाल को ठीक है। जरा प्लीज बता दीजिए किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन दे देता हूं, रंग रामन, रंग राजन कमेटी, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीडी देशमुख कमेटी, या इसके अलावा बात करें शिव रमन कमेटी, तो जरा नरसिम्हन कमेटी। चार ऑप्शन दे दीजिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अक्सर होता क्या, हम शब्दों को तोड़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म नहीं, नेशनल एग्रीकल्चरल नहीं, ये एनए पूरा नेशनल है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। यहां पर आंसर आ रहा है निरंजन। भैया ये कौन सी नए निरंजन कहां से आ गए यहां पर? ओके मैंने आपको मौका दिया, अब आप गूगल करिएगा, कुछ भी करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जब वीडियो यहां पर कंप्लीट हो जाए। शिवरमन बट मैक्सिमम आंसर कह रहे हैं, बट मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था क्योंकि मेरे को भी जानना है, बट आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद आंसर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइनर सवालों की तरफ, न्यूज की तरफ। शैलेंद्र कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शैलेंद्र कुमार को जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। एग्जाम में सवाल बनेगा सिर्फ एक, Who has been appointed as the chief electoral officer of the Jammu and Kashmir? किसको जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया? तो गाइस याद रखिएगा, नाम बनता है उनका शैलेंद्र कुमार। नेक्स्ट न्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथमेश मौलिंगकर, प्रथमेश मौलिंगकर हैज बिकम द फर्स्ट एशियन ऑब्लिक इंडियन, फर्स्ट इंडियन भी फर्स्ट एशियन टू विन द 2018 मिस्टर सुप्रानेशनल टाइटल। प्रथमेश मौलिंगकर 2018 मिस्टर सुप्रा नेशनल का खिताब जीतने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय बन गए हैं। अब एग्जाम में सवाल क्या बनेगा, Who has become the फर्स्ट एशियन ऑब्लिक इंडियन टू विन दी 2018 मिस्टर सुपर नेशनल टाइटल, सुप्रा नेशनल टाइटल। सो गाइस आंसर बनेगा प्रथमेश मौलिंगकर, प्रथमेश मौलिंगकर हैज बिकम दी फर्स्ट एशियन ऑब्लिक इंडियन टू विन 2018 मिस्टर सुप्रा नेशनल टाइटल। दूसरा सवाल बनेगा जो मैं सोच रहा हूं कि ही इज फ्रॉम विच स्टेट, ये किस स्टेट से, हर चीज को याद करते चलेंगे, वो किस स्टेट से हैं, यार प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो तो लिख के बताइए, क्योंकि इस पर एमसीक्यू हमने एक फॉर्म किया है। नेक्स्ट न्यूज गाइस, आईआईटी खड़गपुर हैज बीन ऑनर्ड विद द डीएससीआई एक्सीलेंस अवार्ड 2018 फॉर साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन बाय डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आईआईटी खड़गपुर को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने साइबर सुरक्षा शिक्षा के लिए, जो साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन देते हैं उसके लिए, डीएससीआई एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से पुरस्कृत किया है। एग्जाम में सवाल बनेगा Which institute has been honored with the DSCI Excellence Award 2018? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, किस संस्थान को DSCI Excellence Award 2018 से पुरस्कृत किया गया? तो आंसर बनता IIT खड़गपुर, एक लाइन में। नेक्स्ट न्यूज, इमरान सिद्दीकी हैज बीन ऑनर्ड विद द 2018 सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड। इमरान सिद्दीकी को 2018 सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सवाल यहां पर क्या बनेगा, हु हैज बीन ऑनर्ड विद 2018 सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड, किसको
सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया, सिंपल शब्दों में इमरान सिद्दीकी। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना, अब तो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है ना, 15-15 न्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो गाइस बस हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, ये खुश होकर जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, हाँ सर समझ में आ रहा है और क्लियर भी होता चल रहा, क्योंकि पता है ना आपकी फीलिंग्स को मैं आपकी स्माइली से ही समझ पाता हूं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोटेड हिस्टोरियन, तीन ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। नोटेड हिस्टोरियन मुशीरुल हसन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 69। सुप्रसिद्ध इतिहासकार मुशीरुल हसन का हाल ही में निधन हो गया और वह 69 वर्ष के थे। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, किस वर्ष में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया ये हम एमसीक्यू में देखेंगे, एमसीक्यू फॉर्म किया गया उस पर देखेंगे, ठीक है, तो एग्जाम में सवाल ही बनते हैं तो उनको देखेंगे कि इनको इस वर्ष में कह सकते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जो दूसरा सवाल बनेगा यहां से ये बनेगा कि मुशीरुल हसन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट, ऑप्शन मिलेगा हिस्टोरियन थे, ही वाज द साइंटिस्ट, ही वाज द एथलीट, ही वाज द क्रिकेटर, तो हमें टिक करके आना पड़ेगा ही वाज द स्विमर, इस तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे तो हमें टिक करके आना पड़ेगा वह एक इतिहासकार या हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट गाइज, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ एंड सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश ठक्कर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 72। प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ठक्कर का हाल ही में निधन हो गया, वह 72 वर्ष के थे। सर यहां से सवाल क्या बनेगा, सवाल या तो यह आ जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड सीनियर जर्नलिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, दूसरा सवाल बन जाएगा कि जगदीश ठक्कर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट, तो वो क्या थे, एक जर्नलिस्ट थे, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप लोग, ठीक है, तो वो क्या थे, एक जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलाना असरल उल हक काजमी कांग्रेस लोकसभा एमपी फ्रॉम बिहार किशनगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 76। बिहार के किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के लोकसभा सांसद रहे मौलाना अशराउल हक काजमी का हाल ही में निधन हो गया और वह 76 वर्ष के थे। सवाल यहां पर यह आएगा कि मौलाना असरल उल हक काजमी का भी हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे, तो ही वॉज द पॉलिटिशियन, वह एक पॉलिटिशियन थे, किस राज्य से थे, तो वो याद रखेगा वह बिहार से थे। ये सारी बातें एग्जाम का पार्ट है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ है ऑबिचरी, पॉलिटिकल जब भी ऑबिचरी आती तो स्टेट पूछा जाता है, तो प्लीज जब कभी भी कोई पॉलिटिकल ऑबिचरी आई तो याद रखिए उनका स्टेट क्या है। अगर किसी पर्सन की ऑबिचरी है, किसी पर्सन की डेथ हो रही है, भाई पर्सन की पढ़ रहे हैं यहां पर हम, ठीक है, डेथ हो रही, तो हमें यह भी याद रखना है कि अगर उस पर्सन को कोई अवार्ड मिला है, चाहे पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, तो वो किस ईयर में मिला था, अर्जुन अवार्ड वगैरह इसको तो स्किप कर सकते हैं, बट पद्मश्री मिला है तो भाई आपको यह याद रखना पड़ेगा किस ईयर में मिला। ये चंद सवाल है जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू इनॉग्रेटेड द 19th ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कॉम्पिटिशन 2018 एट मानेश्वर गुरुग्राम इन हरियाणा। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने हरियाणा गुरुग्राम के मानेश्वर में 19th अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी प्रतियोगिता 2018 का उद्घाटन किया। सर मुझे आप ये बताइए सवाल क्या बनेगा, देखिए सवाल यहां से बनेगा 19th ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कंपटीशन 2018 की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनॉग्रेटेड बाय दी किरण रिजिजू की बात होगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर। इसके अलावा दूसरा सवाल बनेगा कहां पर इसे इनॉग्रेट किया गया था, तो गुरुग्राम हरियाणा, हरियाणा में भी जाएंगे तो उसके गुरुग्राम में भी चलेंगे तो मानेश्वर एक टाउन है, वहां पर इसे इनॉग्रेट किया गया। तीसरा सवाल यहां से बन सकता है कौन सा एडिशन रहा, तो ये 19th एडिशन रहा था, 19वां एडिशन यहां पर रहा था। आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ कमेंट ऐसे आते पढ़ भी नहीं पाता मैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉमिनेटेड आर्मी चीफ मैरी मिली एज हिज नेक्स्ट टॉप मिलिट्री एडवाइजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अगले शीर्ष सैन्य सलाहकार के रूप में सेना प्रमुख मार्क मिली को मनोनीत किया है या उनको नॉमिनेट किया है या उनको नामित किया है। सवाल बनेगा यहां पर ये, विच कंट्री हैज नॉमिनेटेड आर्मी चीफ मार्क मिली एज हिज नेक्स्ट टॉप मिलिट्री एडवाइजर। आंसर इज यूएसए। दूसरा सवाल बनेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्मी चीफ ऑफ यूएसए हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द मिलिट्री एडवाइजर बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सो गाइस आंसर बनता है मार्क मिली। आई होप दोनों तरीके से क्लियर होगा, डायरेक्ट कंट्री पूछ सकता है, कंट्री किसने नॉमिनेट किया, या उस पर्सन का नाम पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सिस बैंक हैज अपॉइंटेड अमिताभ चौधरी एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड।
एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को अपने बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सिंपल शब्दों में याद रखना है किसको एक्सिस बैंक ने अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया, आंसर बनेगा अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को अपने बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखे यस सर, यहां तक क्लियर हो चुका। अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। दो एडिशन रिलीज किए गए थे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, मैंने दोनों के नाम यहां पर मेंशन कर दिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज कंपाइलेशन ऑफ द सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इस बात को याद रखना, कंपाइलेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की बात करते हैं, उनकी जितनी भी स्पीचेस रही जब उन्होंने ऑफिस कह सकते हैं ज्वाइन किया एज अ प्रेसिडेंट, तो उनकी जो फर्स्ट ईयर की बात हुई उसमें अक्सर ये उनकी जो स्पीचेस हैं उनकी बात होगी, तो उनमें जो स्पीचेस रही हैं उनकी जितनी भी भाषण रहे उनको कंपाइल किया गया और उसी के दो एडिशन रिलीज किए गए, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। जो इंग्लिश वाला उसका नाम है द रिपब्लिक एथिक, एंड दूसरा वाला जो है उसका नाम है लोकतंत्र के स्वर। दोबारा सुन लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज अ कंपाइलेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टाइटल्ड द रिपब्लिकन एथिक इन इंग्लिश एंड लोकतंत्र के स्वर इन हिंदी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों का संकलन जारी किया जिसका शीर्षक अंग्रेजी में द रिपब्लिकन एथिक्स है और दूसरा बात करें हिंदी में लोकतंत्र के स्वर है। अब ये तो नहीं पूछेंगे ये किसका स्पीच का भैया संकलन है कंपाइलेशन है, ये तो नहीं पूछेंगे। सवाल यहां से जो बनेगा, एक सवाल बनेगा कि इसको किसने रिलीज किया था, तो वो हमारा आंसर बनता है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। आई होप सो क्लियर होगा गाइज, यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस न्यूज को। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 न्यूज, अराउंड 15-16 न्यूज हम कवर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज का स्टेट कौन सा, तो आज का स्टेट अपना हरियाणा, हरियाणा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर यूटीज आपने स्किप कर दिया, अभी 3 यूटी डिस्कस कर चुका हूं, अपने कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन्हें डिस्कस करना क्योंकि लास्ट एक मंथ में 3 ही डिस्कस किए, तो कल हम कोशिश करेंगे एक हफ्ते नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट है उन सभी का डिस्कशन करें। तो आप लोग खुद से भी पढ़कर आइएगा, जितना देखेंगे कितनों को कितना याद है। अब समझते हैं हरियाणा की बात करें, इसका स्टेटहुड है, गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, चंडीगढ़ कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इंपॉर्टेंट बात करेगा मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य एक नंबर में बिठा लीजिए ना क्योंकि एग्जाम में आएगा, रिसेंटली अपॉइंटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, फरीदाबाद यहां की लार्जेस्ट सिटी है। टोटल लोकसभा सीट की बात करें 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोटल 22 है, तो यहां पर डीएलआर नंबर क्या बनेगा, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट 22, एल फॉर लोकसभा सीट 10 रही, राज्यसभा सीट रही यहां पर 5, तो 221005 या 22105 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, न्यू दिल्ली इन स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ना आगे बढ़ते हैं, कुछ और चंद बातें हैं इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आप मैप आपको देखना है, आज आपको मैप स्टडी करना है, सुल्तानपुर, कालेश्वर ये दो फेमस नेशनल पार्क रट लीजिएगा, सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क की बात करें सारे के सारे हरियाणा में, भिंदवास, खपरावास, छिलछिला ये एग्जाम का सवाल बना है, छिलछिला, खपरावास, भिंदवास, अबूब शहर, सरस्वती नहर, वीर शिखरगढ़, खोल ही रेतन, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी हरियाणा। मुझे लगता है तो रट गया होगा, भिंदवास, खपरावास, छिलछिला, अबूब शहर, सरस्वती नहर, वीर शिखरगढ़, खोल ही रेतन, ऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन दी हरियाणा। मार्कंडेश्वर टेम्पल आपका हरियाणा में है, गोरखपुर सोचकर उत्तर प्रदेश में आ जाना, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका हरियाणा है, दमदमा लेक की बात करें ये भी आपकी हरियाणा राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के MCQs, अब आज के MCQs भी कल के MCQ बेस्ड है, बट देखते कितने आंसर दे पाते हैं। इन विच ईयर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड, किस वर्ष में खाद्य एवं कृषि संगठन का गठन हुआ था, किस वर्ष में खाद्य एवं कृषि संगठन का गठन हुआ था। अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आपको इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, उससे बिहार में एक एग्जाम रहा उसमें सवाल भी बन गया, तो ये सोचिए कि अगर कहा जा रहा है तो डेफिनेटली गाइस सवाल बनेगा। फॉर्मेशन ईयर वो चीज है जो ट्रिकी होती, बच्चे अक्सर स्किप करते हो, एग्जामिनर को पता है कि जो आप सोच रहे हो ना कहीं वो भी वहीं बैठ कर आया, तो वो उसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करेगा, तो आपको फॉर्मेशन ईयर याद रखना है, हेडक्वार्टर तो मैक्सिमम याद रहता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए व्हाट इज एक्जेक्टली। देखिए अक्सर कंफ्यूजन होता है 1945 में और 1946 में, यही कंफ्यूजन बनाओ और यहीं पर मैक्सिमम आंसर आ रहा है कि 1946 है, ऑप्शन ऑफ 4 के साथ भी जा रहे हैं, 5 के साथ भी जा रहे हैं, 4-5 भैया, अरे भैया गड़बड़ है यहाँ, तो 3 के साथ भी जा रहा है, बट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। 1945 में स्थापना हुई थी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, इसी के स्टैटिक फैक्ट देखेंगे, टेक्निकल टीम जूम। फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। हेडक्वार्टर की बात करें रोम इटली है, रोम इटली इज हेडक्वार्टर। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो जॉस ग्रेजिनियो डे सिल्वा इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा एक बात बताइए, मेरा सवाल है आपसे, थोड़ा छोटा सवाल है, 16 अक्टूबर को कोई दिन मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड डैश डे मनाते, कौन सा डे मनाते हैं,
अगर आपको पता, मुझे नहीं पता, मैं तो यहां पर सोच रहा हूं क्या हो सकता है, कोई डे मनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, क्या इसी का फॉर्मेशन हुआ था, इसी वजह से मनाते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टोटल मेंबर की बात करें 197 इसके मेंबर है, जिसमें कि 194 कंट्रीज हैं, वन मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, दो एसोसिएट मेंबर है जिसमें कि फेरो आइलैंड है और दूसरा टोकेलाउ है। तो ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? 2017 में आईबीपीएस क्लर्क की बात करता हूं तो वहां पर एग्जाम में सवाल आया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां है? तो आंसर टिक करके आइएगा, द हेग नीदरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, उसके हेडक्वार्टर की बात करें तो द हेग नीदरलैंड में है। आई होप सो गाइज, यहां तक सारी बातें आपके क्लियर होंगी। आंसर आ रहा है सर वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड फूड डे, याद रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड चंद बातें। ये यूनाइटेड नेशन के एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, बेसिकली इसमें टोटल कितने जज होते हैं? 15। एग्जाम का सवाल बनाता कि आईसीजे में टोटल कितने जज होते हैं, तो याद रखिएगा 15 जज। ऑफिशियल लैंग्वेज के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इंग्लिश है और फ्रेंच है। फॉर्मेशन ईयर इज 1945, द हेग नीदरलैंड हेडक्वार्टर, इसी पर बेस्ड एमसीक्यू अभी हमने फॉर्म किया था। अब्दुल काबी अहमद यूसुफ इज प्रेसिडेंट, एंड जे हेनकिन की बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट है। सोमालिया कैपिटल मोगादिशु है, मोगादिशु करेंसी यहां पर शिलिंग चलती, इस बात को याद रखिएगा। टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें, 193 कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेशन को बीच में तब क्विट करा करिए जब आपको याद है। अगर ये लगता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, तो यह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, या बहुत बड़ी भूल करते हैं कि हमने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा, स्टैटिक स्किप हम कर देते हैं अक्सर, ऐसा होता है। बट हमें याद रखना है कि जो सेशन में अगर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो ये टाइम वेस्ट नहीं गाइस, 5 या 10 मिनट लगेंगे, बट डेली बेसिस पे जितना स्टैटिक पोर्शन है उसे कवर अप करते चलिए। अगर ये पोर्शन एग्जाम में आया, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, करंट अफेयर हम करते चले जाएंगे, बट अगर ये आ गया ना तो दिक्कत में आ जाएंगे हम। 15-15 क्वेश्चन भी आते हैं यार स्टैटिक में, और ऐसे सवाल आते हैं जो अक्सर हम स्किप करके आते हैं, जैसे गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने भी नहीं पढ़ा था जब एग्जाम में आया था, तो भाई वो असम में है। तो ये कुछ चंद सवाल हैं जो कि हम डेली बेसिस पर अगर सेशन में अगर आते हैं, तो रेगुलर बेसिस पर अगर हम स्टडी कवर करते हैं, तो उसे हम पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज लास्ट तक देखा करिए सेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए आप लास्ट वाले एमसीक्यू मिस कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो आज की न्यूज बेस्ड है, बट ये वाला कतई मत मिस किया करिए, स्टडी पार्ट को तो डेली देखा करिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर दीजिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहां है? वियना, द हेग, जिनेवा, वन या मनीला? Where is the headquarter of the Universal Postal Union? Universal Postal Union का headquarter कहां पर है? अब देखिए यहां पर बात समझिएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, बर्न स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब इसी से रिलेटेड देखिए कितने फैक्ट बन जाएंगे। अक्टूबर 9, 1874 इज द फॉर्मेशन ईयर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब 9 अक्टूबर याद आ रहा है सर, इसे वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं। बिल्कुल भाई, इसी वजह से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं। सर नेशनल पोस्ट डे का मनाते हैं 10 अक्टूबर को। अब इंटरलिंक हो गया ना, कतई नहीं भूलोगे यार, कतई नहीं भूलोगे। वैसे दिन याद करते रहो, कभी याद नहीं रहते, बट ऐसे इंटरलिंक करेंगे तो चीजें याद रहेंगी। बर्न स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, हेडक्वार्टर है, और डायरेक्टर जनरल की बात करें बी ए हुसैन की बात करें, बिसार अब्दिर रहमान हुसैन इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। आई होप सो क्लियर होगा। यह भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1874 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर दीजिए, मेघालय के राज्यपाल कौन है? तथागत रॉय, गंगा प्रसाद, सत्यपाल मलिक, लालजी टंडन या सत्यदेव नारायण आर्य? फटाफट से जरा मेरे को इतना बता दीजिए, क्या पांचों के नाम आए, पांचों के नाम स्ट्राइक किए माइंड में? सत्यदेव नारायण आर्य सर हरियाणा बिठा दीजिए, लालजी टंडन को बिहार बिठा दीजिए, सत्यपाल मलिक की अगर हम बात करते, सत्यपाल मलिक अपने जम्मू एंड कश्मीर चले जाएंगे, तथागत रॉय को मेघालय कर दीजिए, गंगा प्रसाद को सिक्किम। क्या ऐसा स्ट्राइक किया? अगर किया तो बहुत बेहतर है, नहीं किया तो अभी भाई गुजारिश है, बादाम खाना स्टार्ट करिए, याद हो जाएगा, जरा दिमाग थोड़ा तेज हो जाएगा। आंसर बनता अपना ऑप्शन नंबर 4, तथागत रॉय इज अ गवर्नर ऑफ मेघालय। अब बढ़ते हैं बॉक्स मेथड, हरियाणा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य, बिहार के अपने लालजी टंडन, जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, मेघालय के तथागत रॉय, एंड सिक्किम की बात करेंगे गंगा प्रसाद हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन झारखंड? निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? सर आंसर टिक कर दीजिए, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन दी झारखंड। अब एक बार बॉक्स मेथड से देखेंगे, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन गोवा, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा, बिंदवास अभी पढ़ा था, धौलाधार याद रखिएगा ठीक है, और धौलाधार की बात करें हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, एंड हजारीबाग की बात करें झारखंड में है। तो भाई समझ लीजिए, नेत्रावली गोवा, बिंदवास हरियाणा, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, एंड हजारीबाग की बात करेंगे ये झारखंड में है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा नेशनल पार्क आपका
बिहार में लोकेटेड है, बिहार में स्थित, आंसर टिक कर दीजिए अपना, वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बिहार। अब बाकी कहां पर ये देखिएगा, वाल्मीकि की बात करें बिहार में नमदाफा मौलिंग अरुणाचल प्रदेश में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, एंड नामेरी की बात करें असम में, इंद्रावती की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंटरलिंक करिए, बाकी के असम में कौन से हैं, बाकी के आंध्र प्रदेश में कौन से, बाकी अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं, छत्तीसगढ़ में, तो इस तरीके से आपको बाकी भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट इनका आंसर दीजिए, मुझे लगता है ये भी अभी गड़बड़ कर रहे हैं। लाइबेरिया की राजधानी क्या है, क्या ये बता पाएंगे सभी लोग? सर ये पहली वाली तो बता देंगे, या मुस्कुरो, बुर्किना फासो की। अरे सर नहीं, बुर्किना फासो की तो ओगा डूगे, सर ये तो कोटे दे आइवोर की है। हाँ सर कोटे दे आइवोर की, याद रखिएगा भाई, ये दो दो तीन है ना, ये बुर्किना फासो, कोटे दे आइवोर, आइवोरी कोस्ट, ट्रिकी ट्रिकी है, इनको भी पढ़ लेंगे ठीक है। पहले तो बात कर लेते या मुस्कुरो की, आंसर मैं डिक्लेयर करूंगा। मोनरोविया की बात करें, मोनरोविया इज अ कैपिटल ऑफ द लाइबेरिया, और बॉक्स में थर्ड पे आते, टेक्निकल टीम जूम रखेगा। आइवोरी कोस्ट, कोटे दे आइवोर की बात करें, कैपिटल इज या मुस्कुरो, करेंसी इज फ्रैंक। टोगो की कैपिटल लोम, करेंसी फ्रैंक। चैड की कैपिटल एंदजामेना, करेंसी फ्रैंक। लाइबेरिया कैपिटल मोनरोविया, करेंसी डॉलर। एंड गिनी बिसाउ की कैपिटल है बिसाउ, करेंसी यहां पर फ्रैंक चलती है। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस दिन को हम वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाते हैं, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4th अक्टूबर, 11th अक्टूबर, 24 जनवरी, 10th दिसंबर या 5th जून, किस दिन को हम वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाते हैं? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4th अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाते हैं। कल की बात करें 10 दिसंबर को हमारा एक डे रहा था, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की बात करें 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट रिलेवेंट है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11th अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, 4th अक्टूबर की बात करें वर्ल्ड एनिमल डे, एंड 5th जून की बात करें वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर, रटिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11th अक्टूबर, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी, मोस्ट कंफ्यूजिंग होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर, एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5th जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के सवाल जरा सिंपल सिंपल भाषा में समझते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट रहा? तो आंसर बनता अपना शालेंद्र कुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए गए जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने यहां पर किसे अपॉइंट किया एज एडिशनल डायरेक्टर? तो अपना आंसर बनेगा अमिताभ चौधरी, अमिताभ चौधरी को अतिरिक्त निदेशक के रूप में एक्सिस बैंक ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, प्रथमेश मौलिंगकर की बात करें, फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने 2018 मिस्टर सुपरा नेशनल का टाइटल जीता है, और वो किस स्टेट से है? तो अपना स्टेट है जहां भाई हर कोई घूमना चाहता है, गोवा की बात करेंगे, वह गोवा से है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस इंस्टीट्यूट को DSCI एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है फॉर साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन? तो अपना आंसर बनता IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट गाइज, किसको 2018 सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर अपना यहां पर बनेगा इमरान सिद्दीकी, इमरान सिद्दीकी की बात करें तो उनको 2018 सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट गाइज, किस स्टेट को या कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना है जिसके पास 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो वो आंसर अपना बनेगा केरला है, देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब वो चारों कौन से हैं जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता दीजिए, एग्जाम में ये भी सवाल बन सकता है, रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है कि इसमें से ऑड वन सेलेक्ट करिए। तो समझिएगा गाइस, बिल्कुल डेफिनेटली यहां से एक सवाल एग्जाम का तो पक्का हो गया। नेक्स्ट, नोटेड हिस्टोरियन की बात करते हैं मुशीरुल हसन की, उनका हाल ही में अभी निधन हो गया। सवाल यहां पर यह कि किस वर्ष में, इन विच ईयर ही वॉज अवार्डेड विद द पद्मश्री, किस वर्ष में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? जितने लोगों ने गूगल कर लिया उन्हें डेफिनेटली पता होगा, 2002, 2001, 2008, 2007 या 2004, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस वर्ष में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कर लीजिए गूगल दोस्तों, समय दिया आपको, जाइए जी लीजिए अपनी जिंदगी, बट मुझे जरा फटाफट से आंसर देके बताइए इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो, किस वर्ष में मशीरुल हसन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर आ सर 2008, सचिन राजपूत कह रहे हैं सर 2008, यहां पर विशाल चौहान जी कह रहे हैं 2007, अनुज श्रीवास्तव कह रहे 2004। तो मेरे भाई तुम पांचों आकर ना मेरे सामने खड़े हो जाओ, एक एक बोल दो, ऑप्शन पकड़ लो, कोई तो यहां पर सही होगा। अमा यार तुक्का भी तो मारो, जरा देख के तुक्का मारो। ओके आंसर आ रहा है 2008, बट एग्जैक्टली आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 4, 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट गाइस, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या दूसरे शब्दों में बात करें सीनियर जर्नलिस्ट का नाम क्या जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर बनेगा जगदीश ठक्कर, जगदीश ठक्कर एक जनसंपर्क अधिकारी थे और वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट गाइस, 19th ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कंपटीशन जो कि गुरुग्राम हरियाणा गुरुग्राम के मानेश्वर में अभी हुआ है, उसको किसने यहां पर इनॉग्रेट किया था? तो अपना आंसर बनता है किरण रिजिजू ने उसको इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट, मौलाना असरर अल
उल हक काजमी का भी हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थे? तो ही वॉज दी पॉलिटिशियन, वह क्या थे? वह एक राजनीतिज्ञ थे। अगला सवाल सुनिएगा, किस कंट्री ने यहां पर आर्मी चीफ मार्क मिली को अपना नेक्स्ट टॉप मिलिट्री एडवाइजर नियुक्त किया? तो सिंपल शब्दों में याद रखना है, यूएसए ने अपना यहां पर कह सकते हैं कि सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है मार्क मिली को। अगला सवाल, यूएई ने अभी जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो फेडरल नेशनल काउंसिल में 22.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? सर टिक कर दीजिए, 50% यहां पर कर दिया है कि भैया 50% यहां पर महिलाएं रहेंगी फेडरल नेशनल काउंसिल में। नेक्स्ट गाइस, किन्होंने यहां पर एक कंपाइलेशन रिलीज किया है जो कि स्पीचेस है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की, जिसके दो टाइटल रहे थे, इंग्लिश में रहा था द रिपब्लिकन एथिक और दूसरा रहा था लोकतंत्र के स्वर हिंदी में। तो आंसर बनता है यहां पर एम वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, उन्होंने इसका विमोचन किया था। अगला सवाल, किस बैंक ने यहां पर ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ 100 मिलियन इन्फ्यूज करने के लिए सोलर एक स्कीम की बात हो रही, एक प्रोजेक्ट की बात हो रही, रूफटॉप सोलर पावर कैपेसिटी भारत में बढ़ाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए समझौता किया है? तो वो अपना आंसर बनता है नाबार्ड। नाबार्ड ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट गाइस, भारत ने अभी अपना अग्नि 5 मिसाइल जो कि स्वदेशी निर्मित है, सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा कोस्ट से। सवाल यहां पर यह है, इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? तो एज पर न्यूज़पेपर जाते हैं तो इसकी स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर है, ये आपको याद करते हुए चलना है। आई होप सो गाइस, आज के सवाल 15 न्यूज डिटेल में आपके क्लियर होंगे, स्टैटिक क्वेश्चन पसंद आए होंगे, स्टेट के फैक्ट पसंद आए होंगे, सेशन पसंद है तो प्लीज इसको शेयर करिए जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों सभी फैमिली मेंबर्स, हर किसी के लिए नॉलेज रिक्वायर्ड है। जितना आप एक न्यूज़पेपर बैठकर पढ़ेंगे उतना टाइम देंगे, उससे बेहतर है इस सेशन को देखिए, इसमें हार्डली 45 मिनट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो सिंगल प्लेटफॉर्म जो मैं कहता हूं, डेफिनेटली ये सिंगल प्लेटफॉर्म आने वाले समय में धीरे 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 हो जाएगा। सेशन पसंद है प्लीज लाइक करिएगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट उसे रेगुलर बेसिस पोस्ट करते रहा करिए, आज नहीं कल एक दिन आने पर इंप्लीमेंट तो हो जाएंगे। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।